I shepherd? अरे क्या हुआ, चौक गए क्या मुझे देखकर? अथर्व, मैं संपू। संपू? हाँ, तुम्हारी संपू वापस आ गई। और देखो कोई लॉकेट भी नहीं है। पता है, जैसे ही आओ साहब ने उस कल्याणी के गले से लॉकेट निकाला और हॉल में रखा ना, मौका मिलते ही मैंने वो लॉकेट डिस्ट्रॉय कर दिया। हाय शपथ, अरे क्या संभू, मेरे को तो कब से इंतजार था कि कब तू कल्याणी के शरीर में वापस समा जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी डिनर डेट अधूरी रह गई इसलिए? अरे नहीं रे बाबा, वो क्या है ना कि मैं तेरे को कब से याद कर रहा था, और फिर तूने मेरे को ये भी तो नहीं बताया कि हवलदार को मारने का तेरा प्लान क्या है। तो तुमने भी तो मुझे नहीं बताया कि इस घर में कौन है जो तुम्हारी मदद कर रहा है। बताऊंगा ना सुनो, लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है, पहले हमारी कल वाली डेट पूरी तो हो जाए, है ना? अथर्व तुम भी ना, जब तुम ऐसी रोमांटिक बातें करते हो ना, बहुत क्यूट लगते हो। ऑफ कोर्स हम हमारी डिनर डेट करेंगे ना। वो हमारे घर से गोदावरी आने वाली थी दवाइयाँ लेने। आई थी? अभी अभी लेके गई दवा वो। अच्छा? हाँ। वो लेकिन मैं ना चिट्ठी डॉक्टर के क्लिनिक में भूल गई थी, तो कौन सी वाली दवाई लेकर गई? वही कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, बच्चा होने से रोकने वाली जो दवाई होती है। ये देखिए, ये दवा तो दी है उसको मैंने। बच्चे होने से रोकने वाली दवाई, उदा को इस दवाई की क्या जरूरत होगी? आओ साहब, आओ साहब। गोदा आई थी यहाँ? नहीं, तुम इतनी परेशान क्यों हो? नहीं नहीं बस ऐसे ही। कहीं गोदा किसी गलत संगत में तो नहीं फंस गई ना? घर में जो हो रहा है उसके चलते किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे वाह थर, तुमने तो यहाँ पर बड़ी सारी तैयारियां कर दी हैं। ये नल एम्पोरियम का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो तुम? हाँ, और इस खास शाम को और भी खास बनाने के लिए मैंने सोचा क्यों ना हमारा फेवरेट गाना चलाया जाए। वैसे तेरे को तो याद होगा ना कि हमारा फेवरेट गाना कौन सा था? यार की ये कहानी सुनो। तुम भी ना थर। ऑफ कोर्स याद है, हमारी कितनी यादें जुड़ी हैं इस गाने के साथ। प्यार की एक कहानी सुनो, एक लड़का था एक लड़की थी। वहा संभू, तू जिंदा से आत्मा बन गई है, लेकिन तेरी याददाश्त अभी वैसी की वैसी। डांस। एक लड़का था एक लड़की थी। अब
मुझे किसी भी हाल में इसके साथ डांस तो करना ही पड़ेगा, वरना ये समझ जाएगा। आई शपथ, ये कौन कबाब में हड्डी बन रहा है? शंभू, वो क्या है ना, मेरा एक जरूरी पार्सल आने वाला था तो मुझे वो लेने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन बस दो मिनट में मैं जाकर जल्दी से आता हूँ। लेकिन तू यहाँ से बाहर मत जाना, क्योंकि घर में किसी को नहीं पता कि हम लोग यहाँ पे मिलते, समझ ला? पर जल्दी आना था। दो मिनट, बाय बाय, जल्दी आना। संपदा, मुझे पक्का यकीन है कि ये जरूर ना उस खबरी से मिलने गया है। सीसीटीवी फुटेज ऑन करो, चेक करो जल्दी। हाँ, देख ही नहीं रहा है कि किसके साथ खड़ा है। लगता है मुझे ही जाकर चेक करना पड़ेगा। छुपा तो जरूर रहा है ये कुछ। कब से वेट कर रही थी तुम्हारा? शंभू, वो मैं एक्चुअली आप यहाँ पे खड़ा होके फोन पे बात कर रहा था, वो एक इम्पोर्टेंट बिजनेस डील होने वाली है ना, तो अभी मुझे ना फौरन जाना पड़ेगा। अब तुम्हें जाऊँ? बिजनेस डील ही आपने खबरी से मिलने जा रहे हो तुम? तुम तो मुझे बताने वाले थे ना कि कौन है तुम्हारा खबरी। अगर मैं अपने खबरी से मिलने जा रहा होता तो मेरे को बताता नहीं। चल ठीक है, मुझे जाने दे। जब मैं वापस लौट के आऊँगा ना तो तेरे को जरूर बताऊँगा कि इस घर में कौन है जो मेरे लिए काम कर रहा है। लेकिन अभी मेरे को लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। बाय बाय। हाँ रुक लीजिए, ये लीजिए। अथर्व की गाड़ी तो यही पार्क है, इसका मतलब जरूर वो इस खबरी के साथ यही है इस गाड़ी के अंदर। वक्त आ गया इसको आज रंगे हाथों पकड़ने का। कहाँ गया?
यानी कि मेरा शक सही था, कल्याणी नाटक कर रही थी। कल्याणी ने तो कहा था कि उसने लॉकेट डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर ये इसके हाथ में कैसे आया? इसका मतलब कल्याणी ने मेरे से झूठ बोला, दिखावा किया कि संपदा की आत्मा उसके अंदर है। मुझे को पता नहीं कल्लू, तू किसके साथ खेल खेल रही है। अब ये खेल बहुत खतरनाक होने वाला है। हेलो, हाँ मैंने तेरे से ऐसी बात करने के लिए फोन किया था। वो क्या है ना कि मेरे को अब भी कल्याणी पर शक हो रहा है, मेरे को अब भी यकीन नहीं हो रहा कि उसके अंदर संपदा की आत्मा आती है। अथर्व जरूर उसी से बात कर रहा है जो घर से उसकी मदद कर रहा है, इसीलिए आज मैंने उसे तेरे बारे में नहीं बताया, वरना आज मैं तेरे को संपू से मिला देता। अगर मैं उसे तेरे बारे में बता देता और बाद में हमको पता चलता कि कल्याणी संपदा होने का नाटक कर रही है, तो अपना तो पूरा गेम ही खराब हो जाता ना। अथर्व को अभी भी मुझ पे शक है कि मेरे अंदर संपदा की आत्मा नहीं है। जब तक मैं उस संपदा की आत्मा को अपनी आंखों से नहीं देख लेता, तब तक मेरे को यकीन ही नहीं होगा कि संपदा की आत्मा कल्याणी के अंदर आती है। इतना तो मुझे यकीन हो गया कि संपदा मर चुकी है। अवनी ने कहा था कि उसने एक पल के लिए संपदा की आत्मा को अपने सामने देखा था, तो क्या यह भी हो सकता है कि संपदा कभी मरी ही नहीं? क्या यह हो सकता है कि संपदा जिंदा है और कल्याणी उसके साथ मिलकर मेरे को बेवकूफ बना रही है? आय शपथ अथर्व पापट, सच का पता तो तेरे को लगाना ही पड़ेगा। अथर्व को अब भी भरोसा नहीं है कि मेरे अंदर संपदा की आत्मा है। हमें ना हमारे पुराने प्लान पे जाना पड़ेगा। अब ये सब मेरी गलती है। उस दिन मैं अवनी के सामने ना आकर तुम्हारे साथ अथर्व के सामने आ जाती ना, तो ये नौबत ही नहीं आती। नहीं संपदा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। आज तुम्हारी वजह से आई जेल से बाहर आ पाई है, इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता था। और अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम हमारे ओरिजिनल प्लान पे अभी भी जा सकते हैं। यस, कल्याणी मैडम बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ संपदा, अब तुम्हें अथर्व के सामने आना ही पड़ेगा। उसने तुम्हारी चिता जलते हुए देखी है, तो हो सकता है कि वो इतना डर जाए कि सारा सच उगल दे तुम्हें देखकर, और उस इंसान का नाम बता दे जो घर में रहकर उसकी मदद कर रहा है। और इस प्लान को हमें आज ही अंजाम देना होगा। लेकिन आज कैसे पॉसिबल है? मलारसा तो घर पे ही है ना। काका, वो जो कॉलेज ग्राउंड में बसंत मेला लगा था, वो अभी भी है क्या? हाँ, वो तो लगा हुआ है, लेकिन मेले का आज आखिरी दिन है। परफेक्ट, मिल गया बहाना मल्हार जी और पिल्लू को एक साथ बाहर भेजने का। सर, अंदर आ सकता हूँ सर? आगे लिखो। सर, आपसे एक रिक्वेस्ट थी सर। बोलो। सर वो कॉलेज ग्राउंड में जो बसंत मेला लगा ना सर, उसका आखिरी दिन है सर। बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं, उन्हें जाना है लेकर सर। आज नाइट का ऑफ ले सकता हूँ सर? सर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, वो राव आ जाएगा मेरी जगह सर। हाँ ठीक है पवार, जाओ। थैंक यू सर। सर आप भी मोक्ष को लेके जाइए ना मेला सर। सर मोक्ष को बहुत अच्छा लगेगा, और उसमें बहुत देखने वाला खेलने वाला बहुत कुछ है सर बच्चों के लिए। मेला? हाँ बाबा, प्लीज बाबा मेला चलो ना। पढ़ाई कौन करेगा? बाबा चलो ना। अच्छा एक शर्त पे, ये तुम 2 का टेबल 4 टाइम लिखोगे।
मंजूर है? 2, 3 और 6 6 टाइम लिख दूंगा बाबा। ठीक है, मैं कल्याणी को बुला लेता हूँ। सर, कल्याणी मैडम तो औस आपके साथ बाजार गई है ना सर? अभी मैं अभी आ रहा था तो मैंने देखा जाते हुए सर। कल्याणी के बिना बाबा प्लीज मेला चलो ना, आफा तो बाद में भी आ सकती है, मुझे मेले में घूमना है। अच्छा ठीक है, जिद्दी अपनी माँ पे गया है बिल्कुल। चल और धमकी, आ जा। चले सर। चलो से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हम फैक्ट्री में भी उस दिन बात नहीं कर पाए, तब भी हमारी बात अधूरी रह गई थी। पता है मैं ना बोर हो चुकी हूँ इस घर में रह के। वही मल्हार, वही मोक्ष, मैं ना पक गई। लेकिन तू यहाँ घर में ऐसे कैसे चली है? अगर किसी ने देख लिया होता तो मैं कल्याणी थोड़ी ना सुखी सी से डरूंगी। और फिर तुम्हें मेरा प्लान भी तो बताना बाकी है ना? बस एक ही बार में ना उस मल्हार को मैं खत्म कर देना चाहती हूँ, और फिर उसके बाद मैं हमेशा के लिए इस कल्याणी की बॉडी में बस जाऊंगी। फिर तुम, मैं और हमारा मोक्ष हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। अच्छा तुम अभी जाओ, फ्रेशन अप हो गया। मैं भी तैयार हो जाती हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। जैसा तू चाहे संपू। चल जाओ, ज्यादा देर मत करो अतर। जाओ। हाय शपथ, क्या गल्लू, तू तो खुद ही पास में चले आई मेरे जाल में। चले भाई। पवार जी, तुम्हारे घर से बच्चों को पिक करके साथ में चलते हैं ना? हाँ, ये भी अच्छा रहेगा सर। चलो चलिए। हाय शपथ, क्या बात है जम्बू, आज तो घूंघट वूंघट ओढ़ के बैठी हो। बस अब इंतजार की घड़ियां खत्म। तो पहले मेरे को एक जरूरी काम करने का है। 2 मिनट। हाँ अथर्व ने लाइट क्यों बंद कर दिया? अभी पता चल जाएगा कि इस कमरे में कितने लोग हैं। स-
सारे फर्श पर सफेद रंगोली का पाउडर है। अब जब भी कोई इस पर चलेगा उसके पैरों के निशान साफ साफ छप जाएंगे। और कितने पैरों के निशान हैं ये तो मैं पता लगा ही लूंगा। कहीं अथर्व को शक तो नहीं हो गया कि संपदा और मैं मिलकर अथर्व के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। अगर अथर्व को शक हो गया है कि संपदा जिंदा है तो मैं किसी भी हालत में उसे संपदा का घूंघट हटाने नहीं दे सकती।